हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से इस यूट्यूब चैनल माउंटेन बाबा में। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। यार गाइज, अभी टाइम हो गया है सुबह के 8:10 और अभी मैं सो के उठ रहा हूँ। आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ, तो अभी मैंने काम में भी जाना है, तो मैं फटाफट रेडी होता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय। तो यार गाइस, अभी तो मैं फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ। अभी मैं काम में पहुँचा हूँ और अभी सुबह के 9:21 हो गए हैं। जिनके काम पे आया हूँ उनके यहाँ पर पेस्ट लगाना है, जो कि कटिंग के बाद सेब में लगाया जाता है। अभी मौसम की बात करें तो गाइस, यार मौसम काफ़ी ही ज़्यादा साफ़ है, बिल्कुल एक भी बादल नहीं है आसमान में। मैं यहाँ पर पहले पेस्ट मिलाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या क्या है। मेरे को बताया था पेस्ट रखा है यहाँ पर, आई थिंक ये होगा वो पेस्ट। हाँ, यह है गाइस पेस्ट। इसको अभी थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम। ओ भाई, पिछले साल का पेस्ट है तो पूरी तरह से जमा है। इसको घोल लेता हूँ पहले मैं। यार अभी मैं पहुँच गया हूँ खेत में और यहाँ पर करनी है मैंने अभी पेस्टिंग। अब व्यू की बात करूँ तो यार, व्यू अभी यहाँ पर काफ़ी ही प्यारा व्यू आ रहा है। पहाड़ को कल परसों तक जो हिमालय थे वहाँ पर बर्फ़ नहीं थी, तो थोड़े सूखे सूखे से लग रहे थे, और कल के दिन इतनी स्नोफॉल हुई कि वो बिल्कुल वाइट और हो गए हैं, जो कि बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। वो अभी मैंने यहाँ पर एक डब्बा ला बना दिया है, इसमें मैं अभी इस पेस्ट को डालने वाला हूँ। ये थोड़ा सा हमने घोल दिया है अच्छी तरह से, तो इसको डालेंगे और हम अभी अच्छी तरह से इसको लगाएंगे। गाइज़ यार, अभी दोपहर के 1 बज गए हैं और अभी तक मैं यहाँ पे पेस्टिंग कर रहा था। लगभग मैंने 50 पेड़ में पेस्ट लगा लिया है, तो अभी दोपहर के 1 बज गए हैं। अब मैं घर जाऊँगा लंच करने को। अभी मैं यहाँ से घर की ओर जाने वाला हूँ, और कुछ लकड़ियाँ हैं जो कि अभी मेरे को साथ में ले जाना है यहाँ से परे, और परे खेत है वहाँ पर रखना है। ओ लकड़ी रे, इसमें डालनी पड़ेगी ना। तो गाइज़, इधर अपना किल्टा लग चुका है और इसको मैं ले जाने वाला हूँ, तो चलो चखते इसको। मेरा मतलब है कि उठाते हैं इसको, चलते हैं भाई जी। आए ओए, गिर मत भाई, टेढ़ा मत हो जा। तो गाइज़, मैंने किल्टा उठा लिया है और अब मैं यहाँ से चला हूँ घर की ओर। यहाँ पे आपको मैं टैंक दिखाता हूँ। टैंक है यहाँ पे, अभी पानी भर रहा है इसमें। यहाँ पर एक टैंक देख सकते हैं, इसमें भी पानी भर रहा है। काफ़ी बड़ा टैंक है ये, और इससे ही होती है यहाँ पे सारी स्प्रे, जितनी भी स्प्रे होती है। इसमें पानी देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है, ऊपर से ढक्कन जैसा है। अभी समय हो गया है दोपहर के 2 और लंच मैंने कर लिया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस खेत को काम करने। ये आप पीछे देख सकते हो, ये हमारा प्यारा सा गांव है। तो फ़िलहाल अभी मैंने वाइट वाटर पेस्ट साथ में ले गया है। अगर वो ख़त्म हो गया जो मेरे पास है अभी तक के लिए, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो चलते फिर सीधा। गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जो गाय है ना, ये जैसे ही मेरे को देखते, कभी भी ना मेरे को बस देखते ना खड़े उड़ जाते, क्योंकि इसको मैं डेली घास डालता हूँ। तो अभी देखना, अभी बैठे हुए हैं वो, और अभी जैसे मेरे को देखेंगे देखना कैसे उठते हैं ना। देखो गाइस, अरे अभी तो उठ ही गए यार, देख लिया इन्होंने मेरे को, दोनों उठ गए हैं। देखना अभी इनका रिएक्शन, देखिए ये देखना चाहते हैं, घास मांगते। देखो मैं जा रहा हूँ ना वापस, तो ये मेरे पीछे पीछे आएंगे। मैं तो जा रहा हूँ तुम्हारे को छोड़ के, नहीं डालूँगा मैं घास। सब घास डालते गाइस इनको, यहाँ पे हरा घास है। तो अभी मैंने इनको घास डाल दिया और ये मस्त खाने लग गए हैं यहाँ पे। यहाँ पर दूसरी गाय देखो, ये भी लग गए खाने। ये इसकी माँ है,
लाली लाली लाली, इसकी माँ है गाइस, कितने प्यार से खा रही है। अब हम तो चलते हैं भाई, फटाफट टाइम हो जाएगा, नहीं तो जल्दी जल्दी चलते गाइस, आजकल समय का कोई पता नहीं है। तो गाइस यार अभी शाम के 4:45 हो चुके हैं और अब टाइम हो चला है छुट्टी करने का। तो अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ पहले दूसरे खेत में, वहाँ पर जाकर मैं करूँगा थोड़ा सा गाय के लिए घास काटूँगा मशीन से, और उसके बाद हम चलेंगे घर को। तो आज का दिन हमारा कुछ सही रहा, ऐसे ही रहा जैसा भी था, मतलब ठंड तो ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि इस जगह पे अभी मैं वेस्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं आती है। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे पीछे सूर्य डूबने वाला है, तो अब हम यहाँ से सीधा चलेंगे परे घास काटने, और घास काटने के बाद हम जाएंगे घर में। बाकी तो क्या ही बताएं आपको, इतने दिनों तक मैंने ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, इतने दिनों तक मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए, तो उसके कारण क्या हो गया कि थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लो जैसा हो गया, कैमरे के सामने मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, और जितना भी है अभी जितना भी बोल पा रहा हूँ फिलहाल के लिए इतना है। अब धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव हो ही जाएगा, धीरे धीरे वीडियो बना के आदत पड़ जाएगी। अब मैं कंटिन्यू ब्लॉग रखूँगा, तो आप लोगों को पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। थोड़ा सा मैंने घास काट लिया है, अब इसको मैं डालूँगा इधर किल्टे में, इसको भरते हैं फटाफट फिर चलते हैं घर को। तो गाइस मैं घर आ गया था, और आते ही मैं नहा गया क्योंकि सुबह लेट हो गया था इसलिए मैं नहा नहीं पाया था और ऐसे चले गया था। तो अभी शाम को मैं नहा गया, आजकल ऐसे भी सर्दी है तो शाम को नहाना अच्छा होता है, तो अभी नहा धो के फ्रेश हो गया। तो गाइज़ यहाँ पर चाय और पकौड़ा एकदम रेडी हो गया है, ठंड लग रही है और साथ में आग सेक रहे हैं यहाँ पर। तो गाइज़ सर खाना खुना खा के मैं एकदम से फ्री हो चुका हूँ, और अभी आ चुका हूँ मैं रूम में, और अब बनाने वाला हूँ यहाँ पे मैं कुछ रील्स। तो अभी देखो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं ये ब्लैक पर्दा, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक अपना सेटअप बनाया है, ये रिंग लाइट है, ये माइक है हाथ में मैंने पकड़ा हुआ, तो एक छोटा सा मेरा सेटअप है। और यहाँ पे अभी मैं रील्स बनाने वाला हूँ। तो आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बहुत दिनों बाद मैंने शूट किया, तो मेरे से वो पहले वाली फीलिंग, मतलब पहले वाला जो भी जिस तरह से मैं पहले बनाता था मुझसे वो नहीं हो पाया, लेकिन मैं रोज़ ट्राई करूँगा और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोग इसी तरह से साथ देंगे जिस तरह से पहले देते आए हो। तो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपने ध्यान, अपने घर वालों को हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु के गुणगाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय शंकर, हरिओम, हरे कृष्ण।